आई थिंक इसका आंसर स्लमडॉग मिलियनेयर है। तो एक नॉवेल की अडॉप्टेशन भी है। ओ नहीं, फिर आई थिंक वो हो सकता है अ पैसेज टू इंडिया। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं छोले कुलचे। छोले मेरे बन गए हैं। अभिषेक नहाने गया है क्योंकि उसको जाना है आज वीडियो शूट पे, तो सबसे पहले उसको दे देते हैं। और बैग वैग लेकर तैयार, टाइम फॉर द नेक्स्ट वन, लेट्स गो गाइस। वी आर प्लानिंग वन मोर वीडियो, हिंदी में बात करते हैं। और ये वाली वीडियो पिछली वीडियो से भी बहुत बड़ी है और बहुत डिफरेंट है, बहुत कुछ अलग सोचा जा रहा है, तो आई होप यू गाइस लव इट। बाकी यस, हैगा डबल डिजिट नहीं, मैं कि 7 डिजिट फेम होगी, पार्टी पूरी नाइट, अपर लिविंग बिग लाइफ। क्या लाइन लिखी है यार, क्या लाइन लिखी है और क्या गाया है। वाह वाह वाह, गाया तो ठीक ही है, गाया तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ही गाया यार, तुम देखो यार, तुम प्यार दो और क्या चाहिए। और यहाँ पे ये मलंग साहब, मैं जब बुलाती हूँ इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता भाई, गॉड बिजी है, फिर कहते मेरे को अटेंशन नहीं देती। ओके, तू अटेंशन दे रही है सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए। वो कह रहे वैसे तू मेरे को अटेंशन नहीं देती, सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है इसलिए तू मुझे अटेंशन दे। तो बात भी सही है। चलो ओके ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओए साला, सोए था तुम्हारा, कौन बनेगा करोड़पति में? और तुम्हारा प्रश्न है यही, एक उपन्यास पर आधारित किस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए पेगी एशक्राफ्ट सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली उम्र दराज व्यक्ति बनी थी? यस, बताइए। पेगी एशक्राफ्ट वर्ल्ड रेसिपिएंट फॉर द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, वांटेड फॉर हर परफॉर्मेंस इन वेट फिल्म। और आपके ऑप्शन है यही, स्लमडॉग मिलियनेयर, गांधी, अ फैसिस्ट टू इंडिया, मानसून वेडिंग। हो गया प्रश्न यहाँ पे, अब आपका वक्त है जवाब देने का। अच्छा, जवाब दो, दो जवाब, दो जवाब दो। आई नो द आंसर, द आंसर इज स्लमडॉग मिलियनेयर। हाय, आई थिंक इसका आंसर स्लमडॉग मिलियनेयर है। मम्मी आपको क्या लगता है? मैंने बोला नहीं, मैंने कहा फिर तू कहेगा कि मम्मी गेस कर रही है, वैसे मैं गेस ही कर रही हूँ, तो मेरा भी यही था। मैं भी कैसी कर रहा हूँ, मेरा भी यही है, मुझे भी नहीं आता। पेगी एशक्राफ्ट को कौन सी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था? जो एक नॉवेल की अडॉप्टेशन भी है। ओह नहीं, फिर आई थिंक वो हो सकता है अ पैसेज टू इंडिया। ओ सही में उन्होंने भी अ पैसेज टू इंडिया करा है। ओ क्योंकि एक्चुअली में उसमें लिखा हुआ है जो एक नॉवेल की अडॉप्टेशन है। स्लमडॉग मिलियनेयर किसी नॉवेल से अडॉप्टेड है या नहीं ये मेरे को नहीं पता था, बट पैसेज टू इंडिया है तो उसके बेसिस पे आई सेड सी, और उन्होंने भी सी मार्क कर दिया है। और सही जवाब है, फास्ट फॉरवर्ड कर गया, सही जवाब है। अच्छा अच्छा, जीत गया, बड़ा पचास हजार, झगड़ा लिया, अच्छा बात है, क्या बात है, 12,50,000 जीत गया, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। अरे पैसेज टू इंडिया जो है वो एक नॉवेल थी, आई तो पढ़े राम को। अच्छा, तो ये था हमारा डेली का केबीसी क्वेश्चन। अगर और केबीसी क्वेश्चन चाहिए तो हेलो गाइस, डेली का केबीसी देख लिया है, जनरल नॉलेज बढ़ा ली है, और मम्मी यहाँ पे चद्दर झाड़ रही है। मम्मी 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 मम्मी, लिटिल बेबी है तू, कपड़े भी तो देखो ऐसी ही पहने हैं। मलन साहब ऊपर गए हैं विटामिन डी लेने, मैं भी जा रहा पापा के साथ विटामिन डी लेने। आहा, क्या बात है, सर्दियों में दोपहर की धूप का मजा ही कुछ और है, और पिताजी यहाँ पे, आहा क्या बात है, ओहो क्या बात है पापा, क्या बात है पापा जी, पापा जी, पापा जी आप क्या कर रहे हो? मर्जी ऐसे ही करें। पापा की निक्कर जो है थोड़ी ऊपर हो रही थी। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, धूप सेक रहा हूँ। पापा जी, पापा जी, पापा जी धूप क्यों सेक रहे हो? विटामिन डी के लिए। पापा जी, पापा जी, पापा जी विटामिन डी से क्या होता है? कुछ नहीं होता। पापा जी, पापा जी जब कुछ नहीं होता है तो फिर क्यों सेक रहे हो?
विटामिन डी मेरी मर्जी पापा जी आपकी मर्जी क्यों पापा जी तो इसके बाद तो भाई सीधा गाली आएगी। हम भी थोड़ा विटामिन डी ले लेते हैं। पापा जी कभी तो फोन छोड़ दिया करो। फोन छूटा ही हुआ, चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा आपका जब देखो फोन में लगे रहते हो। पापा तो धूप के एकदम फुल नजारे ले रहे भाई, एकदम ठंड बात रेड हो चुके हैं पूरे धूप में, मजे कर रहे हैं। पापा हम वापस आ जाते हैं। अरे घर ही लॉक है। हेलो हेलो हेलो। मम्मी पापा तो ऊपर धूप में लाल हो गए। विटामिन डी के साथ साथ मेरे ख्याल से वो ब्लड की भी कमी है ना शायद इसलिए। अरे वो तो धूप में ऐसे ऊपर बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, पूरे लाल हो चुके हैं बट मजे एकदम। इतनी गर्म मतलब इतनी गर्मी है ना, मैं जल गया भाई, मेरा तो दो मिनट में पसीने निकलने लग गए। नाक लाल हो जाता है इसलिए नहीं। मेरी तो मेरा तो प्रॉब्लम है ना, मेरा धूप में नाक लाल हो जाता है तो इसीलिए ये रहो ऑलरेडी लाल हो चुकी है। फिर ऐसे कर, घर की ड्यूटी तू दे तो मैं ऊपर जाती हूँ विटामिन डी लेने। आपको भी विटामिन डी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। आई टेक केयर ऑफ द होम, यू गो टेक द विटामिन द डी। ओके थैंक यू। ओके थैंक्स। ओके तो शाम हो गई है और अपना तो वही रोज का रूटीन, शाम को हमने सूप पीना ही पीना है तो मैंने बना लिया सूप। आज मैंने हॉट एंड सॉर सूप बनाया और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो निश्चय का फ़ोन आया कि मम्मी मेरे को ना एक कप कॉफ़ी पिला दो और साथ में कुछ खिला दो। तो खाने में मैंने बनाए हैं मोठ, दाल मोठ जो मार्केट में मिलते हैं, और साथ में सूप दे के आऊँगी। उसको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं देने वाली, मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्टेड हो चुका है, जब देखो कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। तो अभी सूप का टाइम है तो सूप दे के आती हूँ। सुबह अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा था, अब क्वैक क्वैक करी जा रहा है। और अभी खाना खाए बिना चॉकलेट आज फ्रिज में से नहीं ढूंढनी पड़ी ना, फिर आ गया। खाना खिला दो। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ भाई। खाना दे दे मम्मी, मुझे भूख लगी है। क्या खाना? जो आप खिलाओगे। क्या खिलाओगे? जो आप खाओगे। क्या खाऊं फिर? जो आप खिलाओगे। क्या खिलाओगे? आज सुबह मैंने बनाए थे छोले कुलचे। और एक ये लड़का है जो जिंदगी में कभी भी दूसरी बार नहीं खाता, तो अभी मेरे को कह मेरा फिक्स है कि अगर सुबह में कुछ खा लिया तो फिर वो वापस नहीं खाना, दोबारा नहीं खाना। लेकिन छोले कुलचे इतने अच्छे लगते हैं इसको कि अब कह रहा है कि मैं रात को भी छोले कुलचे खा लूंगा। मम्मी ने पूछा क्या खाएगा, मम्मी ने अपने लिए क्या खिचड़ी बनाई है, ओट्स ओट्स बनाया है। मैं ओट्स तो नहीं, तो मैंने कहा मेरे को वो छोले कुलचे या फिर भेलपुरी दे दो। मैंने भेलपुरी की चॉइस दी है। भेलपुरी नहीं खानी, रोज रोज भेलपुरी खाता रहता है। भेलपुरी होती है बड़ी ही पूरी। बड़ी ही पूरी क्योंकि मेरी आदत है बहुत बुरी, मैं नहीं खाता हूँ आलू पूरी क्योंकि मैं हूँ कान पकड़ के आई एम सूरी। ओट्स वो खा रहे हैं, मैं नहीं खाती। ओट्स तो मैं मतलब मैं खाती हूँ लेकिन रात को मैं कुछ नहीं खाती। ओट्स नहीं खा पाता मैं। मैंने सूप पी लिया, मैंने मोठ दाल खा ली, मेरा हो गया। वाओ मम्मी वाओ, आप तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो। क्लेवर बच्चे की मम्मी हूँ क्लेवर। वो मूवीज देखने में बिजी है। कौन सी मूवी चल रही है पापा? कस्टडी। ये कौन सी है? तो ये साउथ डब है ये। अभी भी तो देख रहे थे पहले साउथ वाले। पापा इस एक्टर का नाम बता दो मैं मान जाऊंगा आपको। अकिनेनी। या मुझे पता है मूवीज वो देखते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता। पापा नागार्जुन का बेटा है। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे थे? बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस। वो बिजी है। इश्क चेचना।